कितना अच्छा हार है, सिलेक्शन का जवाब नहीं, हजारों में एक है। फरमाया था कौन हो तुम? मैं, जिसे आपने अभी प्यार से बुलाया डब्बू। जी वो मेरे कुत्ते का नाम। क्या कहा? कुत्ते का नाम है? ये तुम औरतों की बहुत बुरी आदत है, मर्दों को डाउन करने के लिए उनसे मिलते जुलते नाम अपने कुत्तों को रख लेती है। यू शट अप। अगर हमको बिल्ली पाल ले उसका नाम बिमला, कमला, फ्लोरा या डॉली रख ले तो आपको कैसे लगे? है कैसे लगेगा? लड़ी आँख से आँख, लड़ी आँख से आँख, मोहब्बत हो गई, पड़ा गाल पे हाथ, हजामत हो गई, हाय हजामत हो। वाह 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 वाह, लड़ी आँख से आँख, मोहब्बत हो गई, पड़ा गाल पे हाथ, हजामत हो गई, हाय हजामत हो गई। लड़ी आँख से आँख, मोहब्बत हो गई, पड़ा गाल पे हाथ, हजामत हो गई, हाय हजामत हो गई। लड़ी आँख से आँख, मोहब्बत हो गई, पड़ा गाल पे हाथ, हजामत हो गई, हाय हजामत हो गई। वो तपर वाली, हाँ देख तो क्या शान से खड़ी है। रात को इसने हमें थप्पड़ मारा था ना, मैं अभी मजा तक आता हूँ। जरा कैसे है तेरा तेरा असर को बिल्लियाँ अखियाँ वाली है। पहले सदा मुंह नहीं और सदा हाथ पंच नहीं, और यार बड़ी तेज है, फोटो में भी मारती है वो थोड़ी। हर रात को होटल पैरिस में खाने के साथ मिस रीटा का नाच। छोटी सी है जिंदगी, अपनी खुशी तेरी, दुनिया को छोड़ तुझे दुनिया से क्या बात, कैसी बनी खुशियों का रेसिपी, दुनिया को छोड़ तुझे दुनिया से क्या, छूटी सी है जिंदगी अपनी खुशी तेरी। शर्मिंदा बरा, एक मनी ऑर्डर फॉर्म देना भाई। ए भाई, जेंटलमैन लाइन में खड़ा रहो। ये लाइन तेरे बाप की है मोटे? अरे मोटा होगा तेरा बाप, हम सीधी तरह से बोलता हूँ, ऊपर से तुम खाली देता, साला लाइन में खड़ा रहे। नहीं आता लाइन में, कर ले जो करना है। एक फॉर्म देना भाई। अरे देखते क्या हो, साले को उठा के बाहर फेंक दो। चलो मिस्टर इधर से। अरे एक दो तीन हजार के नोट वही रहने थे, वही रहने थे। जय जगदीश। हरे क्या नोटों की आती? अरे यार आजकल तो इन्हीं नोटों में भगवान दिखाई देता है। देना मुझे, मुझे देना, मुझे देना यार दे। रोशन एक बात कहूँ, अब जरा जिंदगी आराम से कटेगी। तुम आराम की सोचो, मैं देखता हूँ इस किस्मत के मारे ने इतने रुपए कहाँ भेजे। माँ प्रणाम। वो दिन तो याद होगा तुम्हें मान, जब लड्डू शाह ने 10 आदमियों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की
और कहा था कि अगर तुमने जल्द मेरा कर्जा ना चुकाया तो मैं तुम्हारा मकान नीलाम करवा दूँ। उसी दिन मैं 3,000 रुपया कमाने के लिए बंबई चला आया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि बंबई आते ही मुझे एक बड़े नेक आदमी के यहाँ नौकरी मिल गई। कल जब मैंने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए ये बताया कि अगर कर्जा वक्त पर ना चुकाया गया तो मेरी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया जाएगा, इतनी बड़ी दुनिया में उसके लिए सर छुपाने के लिए कोई जगह ना होगी और वो दर दर की ठोकरें खाएगी, तो ये सुनते ही उसने फौरन 3,000 रुपया निकाल कर मेरे सामने रख दिया। माँ, जो मैं आपको भेज रहा हूँ, ये रुपया आप लड्डू शाह को देकर मकान के कागजात उससे वापस ले लीजिए। आपका बेटा मोहन। पुलिस आदमी रोशन, मालूम होता है यहाँ किसी की चोरी हुई है। चोरी नहीं, बेचारे ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? जी हाँ। किसने? मोहन ने। मोहन? रोशन, हमारा सुना तो? अब कहाँ जा रहे हैं? मोहन के गांव। मोहन के गांव? वो क्यों? उसकी माँ को पैसे दे। क्या मोहन का घर यही है? हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। तुम कौन हो बेटा? मैं मोहन का दोस्त हूँ। माँ जी, क्या बंबई से आया हो? जी, मेरे लिए जैसा मोहन वैसा ही मोहन का दोस्त, इसे अपना ही घर समझो। बड़े अच्छे वक्त पर आए हो बेटा, आज मेरे मोहन का नया जन्म हुआ है। नया जन्म? हाँ, सिर्फ मोहन का ही नहीं, सारे खानदान का नया जन्म हुआ है, वरना आज हमारे बड़े पुरखों का तो नाम ही मिट जाता है। मैं समझा नहीं माँ जी। मैं सब कुछ समझाती हूँ बेटा, पहले कुछ खा पी लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम भी अजीब हो जी, रास्ते में क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे भैया के दोस्त? मोहन तुम्हारा भाई था? जी था नहीं है, दोबारा था मत कहना, मैं बुरा मान जाऊंगी। मेरे भैया को मेरी उम्र लग गया, जानते हो आज मेरे भैया के सर से मौत चल गई है। मौत? तुम नहीं समझे? खैर मैं समझाती। देखो, पिछले 100 बरस से होने का कुछ ऐसा चक्कर चला है कि हमारे खानदान में जो भी मर्द होता था 25 की उम्र से पहले ही मर जाता था। हमारे परदादा दादा दोनों 24 की उम्र में मर गए, और फिर हमारे पिताजी भी तो 24.5 की उम्र में चल बसे। सोचो तो, चार चंद सुहाग का हंसना खेलना, बहनों का रूठना मानना, और बस फिर वही 100 वर्ष या फिर लंबी रातें। बाबू औरतें रो रो के बेहाल हो जाती थी। हाँ, और देवी के मंदिर में मन्नतें मानती थी कि हे देवी, हमारे खानदान का कोई भी लाल 25 की उम्र पार कर गया तो हम तुम्हारे मंदिर में भोग चढ़ाएंगे, पूरे गाँव का खाना करेंगे। अरे बाबू, आज वही भगवान दिन है। आज देवी ने एक माँ की फरियाद और बहन की पुकार सुन ली, मेरे भैया ने 25 की उम्र पार कर ली। बाबू, मेरे भैया को मेरी उम्र लग जाए। अरे बाबू, तुम्हें पता नहीं आज मैं कितनी खुश हूँ। ए, मैं शहर जा रहा हूँ, ये मैं तारे कागज वकील साहब के हवाले कर आऊंगी और उनसे कह के आऊंगा कि साहब सुबह सुबह कागज चिपकना चाहिए दरवाजे। लड्डू शाह, गुरके की नौबत नहीं आएगी। ये रहे तुम्हारे 3,000 रुपए और वो कागज मुझे दे दो। 8,000? लाओ लाओ। जयलक्ष्मी भैया की बधाई हो। अम्मा डंडोर। अम्मा, आज तो लड्डू शाह को इतने लड्डू खिला दोगे हफ्ते भर की फुर्सत हो जाए। दीदी, अम्मा खुशी के दिन अगर लड्डू नहीं खाए तो क्या है? क्यों मंगलू, तुम तो कहते थे पुलिस लाऊंगा, मकान कुर्क कराऊंगा, अब अचानक बदल कैसे? अम्मा, मैं भी अपनी मर्जी थोड़ी बदला हूँ, मुझे 3,000 रुपए ने बदल दिया। पूछो कैसे? कैसे? अरे वो जो शहर से मोहन का दोस्त आया था ना, वो तुम्हारा सारा कर्जा दे गया। क्यों जी, कोई बहरूपिया हो? स्टेशन से लेके यहाँ तक 10 रूप बदले हैं तुमने, तुम बताते क्यों नहीं तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है? कैसे कहूँ, तुम्हारे भैया का दोस्त। वो तो मैं भी जानती हूँ, मगर ये 3,000 रुपए? कोई बड़ी बात नहीं, लोग तो दोस्ती निभाने के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। देखो जी, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। अरे फिर कहाँ थे इतने दिनों तक, कब आए? याद है एक रोज आपने मुझे नौकरी के लिए कहा था। हाँ, और मैंने इनकार कर दिया था।
आज मुझे उसी नौकरी की जरूरत है। नौकरी? अरे मेरी जान, तुम तो यहाँ के मालिक हो, मालिक। तो फिर कल सुबह आ जाऊँ काम? कल सुबह नहीं, शाम को 7 बजे। ओके। माता जी, क्या ये बात सच है कि आपका ये मकान इस बनी के पास 3000 रुपए के लिए रहन था? हाँ बेटा। और वो रुपया आपने चुका दिया? हाँ हाँ जरूर। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो 3000 रुपया आपके पास कहाँ से आया? हमारे पास कहाँ से आना था बेटा, मेरे लड़के का एक दोस्त बम्बई से आया था, उसे हमारी मुसीबत देखी नहीं गई तो उसने चुका दिया, वापस जाने से पहले मिला तक नहीं। मेहरबानी करके आप उसका और अपने बेटे का पता बता दीजिए। तुम्हारे कोर्ट की जेब से ये हार और ये इश्तेहार मिला। देखो, मैंने सोचा जिसकी तस्वीर तुम जेब में लिए लिए फिरते हो उसी से तुम्हारा पता मिलेगा। हाँ, और हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचे, लेकिन ये तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा क्यों नहीं किया जी? मैं अपने भैया से मिलने आई, मुझे मेरे भैया के पास ले चलो। तुम्हारे भैया के पास? तुम्हारा भैया, बात यह है कि वो चलो शुक्र, तो मैं तुम्हारे भैया के पास ले चलूं। टैक्सी। जब मैं तुम्हारे घर गई थी मेरे दिल में चोट था, शादी तुम्हें से एक बहाना था। मैं उस 3000 रुपए के लिए गई थी जो तुमने मोहन की जेब से निकाले थे, मुझे शंकर ने भेजा था। शंकर ने भेजा था? क्यों? 3000 रुपए से शंकर का वास्ता? वो रुपया शंकर ही का था, मोहन ने चुराया था। मैंने भी कहा कि बस दो ही मुलाकातों में आप कैसे इतनी मेहरबान हो गई कि मेरी दुल्हन बनने के लिए खुद मेरे घर चली आई। आज मालूम हुआ कि आपको शहर नहीं रुपया चाहिए था। मेरी ईमानदारी का नाजायज फायदा न उठा, ये मैं कह चुकी हूँ कि मेरे दिल में चोर था, ये तो तुम्हारी माँ की मेहरबानी थी कि मेरी दुनिया बदल गई। तुम्हारे बयान से जाहिर होता है कि तुम्हें ये नोट उस लिफाफे में से मिले जो तुमने मोहन के हाथों से उड़ाया था, और मोहन ने ये नोट शंकर के हाथ से चुराए थे। जी, तुमने अखबारों में पढ़ा होगा कि मार्च के महीने में यूनिवर्सल बैंक में डाका पड़ा था और डाकू 20 लाख के नोट उड़ा कर ले गए थे। वो सब नोट 1000 रुपए के थे और ये तीनों नोट उन्हीं में से है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि एक मामूली पॉकेट मार तुम्हें ठुकरा कर चला गया। नहीं सेठ, ठुकरा के नहीं गया, इनकी कीमत का बंदोबस्त करने गया था। ये रहे वो नोट जिन पर तुम बिकने के लिए तैयार थे। मुझसे शादी करना हो तो मेरे घर चले आना। गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, क्या हो गया है? रीटा डार्लिंग, मिस्टर रोशन, हम आपको यूनिवर्सल बैंक पर डाका डालने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। रोशन? नहीं नहीं, वो डाका रोशन ने नहीं डाला था इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आपको धोखा हुआ है। हमारे पास इसका सबूत है। मोहन के घर 1000-1000 के 3 नोट जो रोशन देकर आया था, वो नोट उसी 20 लाख रुपए में से थे। लेकिन इंस्पेक्टर, मैंने वो नोट चुराए नहीं थे। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको मालूम हो जाए वो 20 लाख रुपए कहाँ और उसे चुराने वाला कौन है, तो क्या आप मेरे रोशन को छोड़ देंगे? फौरन। रोशन, हम सब की तरफ से ये वेडिंग प्रेजेंट कबूल फरमाइए। नो नो मिस्टर रोशन, रुमाल मिसेज उठाएंगे और आप देखते ही तड़प कर रह जाएंगे। क्यों? देखते क्या हो, घुसा दो सीने में। अच्छा उड़ीसा। मैं
मिस्टर शंकर, गैम्बलिंग गेम चलाने और यूनिवर्सल बैंक पर डाका डालने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। गैम्बलिंग गेम चलाने का जुर्म तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन यूनिवर्सल बैंक का डाका अपनी समझ में कुछ नहीं। शंकर, तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ, अब अनजान बनने से कोई फायदा नहीं। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अच्छा, ये सब आपने मुझ पर मेहरबानी की? जी, वैसे ही जैसे आप मेरे रोशन को कत्ल करके मुझ पर मेहरबानी फरमाने वाले थे। ओह, ऐसा समझ गया इंस्पेक्टर साहब, जब घर का भेदी लंका रहा है फिर छुपाने से फायदा क्या। चलिए, नोट भी आपके हवाले कर दूं। थैंक यू रितु। ये निशान लगे हुए बक्से बाहर निकालो। और मेरी शादी तो अधूरी रह गई थी। अधूरी रह गई थी तो पूरी भी हो जाएगी। मैं तो अपने स्वामी के चरण धो धो कर पीऊंगी। मैं इन चरणों की दासी हूँ। इंस्पेक्टर साहब, यस, क्या बात है? मुंबई में एक आदमी दो शादियां कर सकता है? दो शादी ना आदमी कर सकता है और ना औरत। तुम्हारा इरादा दो शादियों का है क्या? ज्यादा तो नहीं, लेकिन आप मुझे दूसरी शादी के लिए मजबूर कर रही हूँ। दूसरी शादी? जी हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हारी शादी हो चुकी है? किससे? मोहन की बहन से। क्या कहा? मोहन की बहन से? वो और वो जो मुझसे शादी कर रहे थे वो सब क्या था? वो सब खेल था। मिस्टर रोशन, हम तुमसे बहुत खुश हैं और अपने वायदे के मुताबिक हम सरकार से पूरी सिफारिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि तुम्हारे सारे कसूर माफ कर दिए जाएंगे। शुक्रिया, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर आज के बाद तुमने किसी की जेब काटी तो फिर हमारे लिए तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने पॉकेट मार के धंधा बिल्कुल छोड़ दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। रोशन ने तुमसे शादी प्यार के लिए नहीं की, तुम पर तरस खाकर की, क्योंकि उसके हाथ तुम्हारे भाई के खून से रंगे हुए हैं। तुम्हारा पति तुम्हारे भाई का कातिल है। शुक्र, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो। शुक्र, तुम्हारे भैया की मौत मेरी वजह से जरूर हुई, लेकिन यकीन मानो मुझसे जो कुछ भी हुआ अनजान पर न हुआ है। क्या हुआ है तेरे जी को? तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? इतना परेशान क्यों दिखाई देता है बेटे? माँ जी, आपके बेटे की परेशानी का कारण मैं आपको बताती हूँ। चुप रहो रीटा, अगर एक लफ्ज भी कहा तो मार डालू। क्यों, तुमने कोई कसर बाकी छोड़ी है जो मैं मौत ले डरू? आज मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगी कि तुम क्या हो। मैं पॉकेट मार। पॉकेट मार? छोड़ दो। मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें हमेशा धोखे में रखा माँ, लेकिन अब मैं जो कह रहा हूं ये धोखा नहीं है। माँ, जिस आग में तू जल रही है उस आग में मैं अपना हाथ जला दूंगा। मैं अपना हाथ जला दूंगा। मैं बाबू, बाबू, बाबू।